दोस्तों, हालिया दिनों में ओमान में बहुत ही अहम डिसीजन लिए गए हैं और इससे कुछ पहले डिसीजनों की तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं और आज मैं आपको 5 न्यू डिसीजन जो ओमान में लिए गए हैं उसकी तफसील थोड़ी बता रहा हूं। अगर आप भी ओमान में जाने वाले हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से किसी भी मुल्क से तलक रखते हैं, तो जल्द से जल्द अपने ट्रैवल एजेंसी से रब्ता करें, क्योंकि ओमान ने तमाम मुल्कों की एंट्री बंद कर दी है अपने मुल्क में। वो चाहे बजरिया एयरपोर्ट है, वो चाहे बजरिया बॉर्डर है, वो चाहे बजरिया सियापोर्ट है। अगर आप भी जा रहे हैं, आप छुट्टी पर आए हैं अपने मुल्क में और वापस जा रहे हैं ओमान में, तो जल्द से जल्द अपनी ट्रैवल एजेंसी से रब्ता करें, उससे मुकम्मल मालूमात लें कि एंट्री बंद कर दी है। अब एंट्री सिर्फ GCC कंट्रीज सिटीज़न की खुली है और ओमानियों की खुली है, बाकी सबकी बंद है। और इसके अलावा ओमान में अब नमाज जुमा के इतमा भी नहीं होंगे, और इसके अलावा ओमान में पब्लिक पार्क और गार्डन वो भी बंद करने का फ़ैसला किया गया है। और इसके बाद में कोई भी सोशल इजतमा भी नहीं होगा, जैसे शादी वगैरह वो भी बिल्कुल बैन कर दिए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपका कोई चाहने वाला, आपका कोई प्यारा दोस्त ओमान वापस जा रहा है, तो आप उसके साथ कॉन्टेक्ट करके उसको बता दें कि ओमान ने तमाम एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं, तो ताकि उसकी टिकट ज़ाया ना हो। ये थी एक छोटी सी मालूमत वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये मालूमत अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।